आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जूलॉजी की शाखाएं और भी जूलॉजी से संबंधित और भी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। लगभग ये 250 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको क्या करना, दिल थाम के वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, आपको इसका अनुभव भी होगा, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच करना है, बिना स्किप किए हुए वॉच करना है। तो चलते हैं, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। अब पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जंतु नहीं जीव विज्ञान से संबंधित, तब भी आपको देख लेना है। मानव त्वचा का अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है, तो आप बताओगे डर्मेटोलॉजी। जहाँ डर्मा शब्द लग जाए वहाँ त्वचा से ही होता है, इतना याद रखना है आपको। और अस्थियों को अध्ययन को किस, अस्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, अस्थियो अस्टियो, दोनों देखिए मैच कर रहा है, तो इसको कोरिलेशन के थ्रू अस्टियो अस्टियो दोनों याद कर सकते हैं। चलते हैं प्यारे साथियों, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है, अब संक्रमण से पर तो आप बताओ इम्यूनोलॉजी से किया जाता है। पेलियो पीलियोन्टोलॉजी या ओंठो है तो ओंटो पेलियोन्टोलॉजी का अध्ययन किससे, तो आप बताओ जीवाश्म के अध्ययन को पीलियोन्टोलॉजी कहा जाता है। जितनी इसकी जंतु विज्ञान की शाखा है सब इसमें देखेंगे। चलते हैं, कीड़ों के अध्ययन को कीटोलॉजी किसमें, तो आप बताओगे एंटोलॉजी। अब तितलियों, देखो तितली वाला अध्ययन तो बहुत बार पूछा गया, तो ये होता है लेपिडोप्टेरियोलॉजी। क्या लेपिडोप्टेरियोलॉजी जो होता है, क्या तितलियों के अध्ययन को कहते हैं लेपिडोप्टेरियोलॉजी। अब नेक्स्ट आता है प्यारे साथियों, मछलियों के संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मछलियों को अध्ययन को बोलते हैं इक्थियोलॉजी। क्या बोलते हैं, इक्थियोलॉजी। और पक्षी के अध्ययन को बोलते हैं आर्निथोलॉजी कहता है, आर ई आर ई पक्षी आर ई, जैसे छोटा बच्चा कह रहे पक्षी से बोलते हैं पक्षी आर ई आर ई आर ई कहता है ना, तो आपसे हिस्टो, आप उत्तक का मतलब ही हिस्टो होता है, तो आप हिस्टोलॉजी, हिम्टो नहीं हिस्टोलॉजी होता है उत्तक का, जहाँ हिस्टो करना हिम्टो न पढ़ना, ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो। घाव के अध्ययन को बोलते हैं, तो आप बताओगे ट्रोमेटोलॉजी का कहा जाता है घाव के अध्ययन। कैंसर संबंधी अध्ययन को कहलाता है, तो बताओ ओनकोलॉजी कहलाता है। मोलस्क समुदाय के अध्ययन को बोलते हैं कोनकोलॉजी कहते हैं। चलते हैं मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंशानुगत के नियमों का अध्ययन को कहा जाता है, तो वंशानुगत यानी जेनेटिक्स कहा जाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधार सुधार कहलाता है, तो यूथेनिक्स। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है, तो बताओ कि यूथेनिक्स कहलाता है। नलिका विहीन ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। क्या एंडोक्राइनोलॉजी, आपको याद करना नलिका विहीन अध्ययन को, उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति को अध्ययन करता है, क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, यूजेनिक्स कहा जाता है। यूजेनिक्स देखिए ध्यान देना है, अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अब तो यूजेनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है कीटो से संबंधित अध्ययन को इंटेमो, किंटो ईटो कीटो इंटो, देखिए कीड़ा रहे कीटो बात एक, मछलियों के अध्ययन देखिए दोबारा रिपीट हुआ इक्थियोलॉजी कहलाता है, तो रिपीट हो रहा है, तो इससे आपके माइंड में कई बार जा रहा है, एक चीज़ आपको याद हो एक बार में पढ़ने से याद होता, कहते पोथी पढ़ जग मुआ पंडित बनाना का है, कोई एक बार में पढ़ने से याद हो जाता है, तो हर कोई पंडित होता है, इसलिए करें वीडियो को 2 से 3 बार जरूर वॉच किया करें, भले फास्ट मोड में ही क्यों ना किया करें। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान की वासा का जिनके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति और वाह संरचना का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं मार्फोलॉजी, बनावट का कह सकते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी कहलाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत मानसिक लक्षणों और उनकी वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, तो क्या बोलते हैं उन्हें, जेनेटिक्स। अभी बात हो चुकी है, बस जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो प्यारे साथियों आप बताओगे पारिस्थितिकी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशियों का अध्ययन क्या बोलते हैं, तो मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी, मां से मांसपेशियों, मां से मायोलॉजी आप कह सकते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी, मधुमक्खियों के पालन को बोलते हैं एपिकल्चर, एले शहद पी, तो ऐसे करिए कुछ भी रिलेट कर लिया करो एपिकल्चर, रेशम सेरी। नेक्स्ट है, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, तो आप बताओगे हिस्टोलॉजी पिछले में था लेकिन यहाँ करेक्ट कर दिया गया, हिस्टोलॉजी है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में किस अंक का, तो न्यूरोलॉजी में किस अंक का करते हैं, तो आप बताओ न्यूरॉन्स का करते हैं, यहाँ स्नायु है यहाँ पर न्यूरॉन्स कर लीजिए करेक्ट हो जाए, न्यूरॉन्स का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। चलते हैं, जेरंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो बताओ वृद्ध का अध्ययन किसमें, जेरंटोलॉजी में किया जाता है। पीडियाट्रिक्स मतलब शिशु रोग से संबंधित जो है अध्ययन को पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। टिशू कल्चर क्या है, तो होता अनुवांशिकी के अध्ययन को कहा जाता है टिशू कल्चर कहा जाता है।
ओनकोलॉजी आप जानते हैं बहुत फेमस है, कैंसर के अध्ययन को ओनकोलॉजिक्स कहा जाता है। जेनेटिक किसकी अध्ययन किया जाता है, तो जेनेटिक्स में अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। अनुवांशिकी किसके संबंधित है, तो अनुवांशिकी आप क्या बताओगे, अनुवांशिकता से संबंधित है या जेनेटिक्स से संबंधित है, याद रखना है आपको। जनसंख्या देखिए डेमोग्राफी दो तीन बार रिपीट हो जाएगा, ये कभी आपको भूलेंगे नहीं, चलते हैं। रक्त और एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो बताओ सीरोलॉजी या सीरोलॉजी कहा जाता है। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है, तो शरीर संरचना आओ क्या बोलते हैं वातावरण से संबंधित है कह सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रमुख जीव वैज्ञानिक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ प्राकृतिक वर्णवाद होना चाहिए, कृतिक नहीं, प्राकृतिक वर्णवाद, इसको आप समझिएगा, प्राकृतिक वर्णवाद। प्राकृतिक वर्णवाद किसकी देन है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, चार्ल्स डार्विन की देन है। किसकी, चार्ल्स डार्विन, प्राकृतिक वर्णवाद। अनुवांशिकता आप बताओ, अनुवांशिकता लिखा इसमें आगे का अक्षर सब कट गया है ना जाने क्यों, तो आप बताओगे मेंडल ने। और किस पे किया था, तो मटर के पौधे पर इसका अध्ययन किया था। चलते हैं संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, इसमें कुछ मिस्टेक है, इसको काट लीजिए। नेक्स्ट है टॉपिक को हिंट करते हैं, क्योंकि इसमें सब में आगे के अक्षर सब कटे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरा देखते हैं, जंतु वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। पहला है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है, तो आप बताओगे प्रोटोजोआ के श्रेणी में रखा गया है, यानी परजीवी के श्रेणी में रखा गया है। चलते हैं किसकी आकृति निश्चित नहीं होती, तो आपको बताओ अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती, कहा जाता है अमीबा को चप्पल जीव भी कहा जाता है। चलते हैं चप्पल नहीं सॉरी पैरामीशियम को चप्पल आकृति का जीव कहा जाता है, यानी कि आप इसमें क्या चप्पल आकृति का जीव किसे, पैरामीशियम को कहा जाता है। अमीबा का प्रचलन किसके द्वारा होता है, यानी कि किससे चलता है, तो कूटपाद के द्वारा है जो चलता है। नेक्स्ट है हरे प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है, तो बताओ कि युगलीना के नाम, युगलीना किस हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है, तो बताओ युगलीना को हरा प्रोटोजोआ, हरे हर लिखा है लेकिन आपको हरा समझना है। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे माना जाता है, तो आप बताओगे युगलीना पौधे तथा जंतुओं के बीच की योजक कड़ी, ये जीवित तथा मृत के बीच की कड़ी को किसे, तो वायरस को माना जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, तो आप बताओगे पेचिस के लिए जिम्मेदार है, तो आंत में पाया जाता है। पेचिस के लिए उत्तरदायी देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पूरा नाम है। मलेरिया बुखार पैदा करता है, तो आप बताओगे प्लाज्मोडियम परजीवी पाया जाता है। चलते हैं काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है, तो आप बताओ लिस्मैनिया डोनामानी, पूरा नाम काला जार का कौन सा, तो लिस्मैनिया डोनामानी आपको याद रखना है प्यारे साथियों। निद्रा रोग पैदा करता है, तो आप बताओ ट्रिप्नोसोमा गैबियंस। अब देखिए निद्रा में सोना यहाँ याद कीजिए, सोमाना याद कीजिए, सोना गैबियंस याद कीजिए, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। मनुष्य के हाथ में रहने वाला एक कोशिकीय परजीवी कौन सा, तो ई कोलाई जो है एक कोशिकीय परजीवी है। अमीबा के कूटपाद में महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप बताओ कि भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन में काम करते हैं, कूटपाद भोजन ग्रहण भी करता है, प्रचलन यानी चलने में भी काम करता है। मलेरिया के टीके का खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। जापान में के उपहार के रूप में भेंट किया था, तो यूकेप्टेरा भेंट किया था। चलते हैं बीनस के फूलों के डलिया के नाम से किसे जाना था, यूकेप्टेरा को बीनस के डलिया के नाम से जाना जाता है। चलते हैं स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाला छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, स्पंज है वो, तो आप बताओगे आस्टिया कहलाता है, याद रखना है। स्पंज के सिर पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता तो अस्टुलम कहलाता है। स्पंज आप जानते हैं कि जहाँ पर वो रहता है वहाँ की उर्वरता अलग जाता है, तो पूरा लेके जाता है, इसकी खास बात यह होती है। सिलेंट्रेटा संघ को इनी और किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम, तो यहाँ आपको क्या बताना है, तो यहाँ हो जाएगा निडेरिया के नाम से जाना जाता है सिलेंट्रेटा को, और किस नाम से, तो बताओ निडेरिया के। किसके रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करते, तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता तब भी वो श्वसन करते हैं। कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा, तो बताओ सिलेंट्रेटा वर्ग के द्वारा किया जाता है कोरल रीफ का निर्माण। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इसमें आपको मिल रहे हैं। हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है, तो आप बताओगे टेंटेकल्स होता है। प्रवाल एक क्या है, तो आप बताओ समुद्री जीव है। जेलीफिश के नाम से किसे, ओरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। चलते हैं समुद्री एनिमोन के नाम से जाना जाता है, तो मैट्रीडियम जो है समुद्री जीव के नाम से जाना जाता है। मोर्टिगेज ना मैन ऑफ पावर
किसे जाना जाता, तो फाइसेलिया को जो है मोर्टिगेज मैनऑफ वार के नाम से जाना जाता है। अमरत्व का गुण किसमें होता है, तो हाइड्रा को काटो पीटो उनका शरीर तब भी जिंदा रहता है, अमरत्व का गुण पाया जाता है इसमें हाइड्रा में, ये खास बात है इसमें। चिपटे कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है, तो फ्लेंटे हेलमिंथ के अंतर्गत रखा जाता है चिपटे। फीता कृमि किस संघ का महत्वपूर्ण जाने, तो प्लेंटे मिंथिज का ही प्राणी है। कौन मानव मूत्र के लिए उपयोगी है, मानव मात्र के लिए उपयोगी है, तो फीता कृमि जो है मानव मात्र के लिए उपयोगी है। किसके अधपते मांस खाने से कृमि मनुष्य के आंत में आ जाता है, तो आप बताओ कि सूअर के मांस खाने से कौन सा फीता कृमि जो है मनुष्य के आंत में आ जाता है। गोल कृमि या सूत्र कृमि किस अंग के अंतर्गत रखा गया, तो निमैथेलमिंथीज के नाम से जाना। स्कैरिस जो है स्कैरियसिस मनुष्य द्वारा रोग उत्पन्न करता, तो स्कैरिस रोग उत्पन्न करता, याद रखना है आपको ये सब चीज़ें। फाइलेरिया नामक रोग कौन उत्पन्न करता है, तो आप बताओ कि बुचेरिया। देखिए क्वेश्चन टफ आपको लग रहे होंगे, लेकिन पेपर में ही आ जाएंगे, तो आप कहोगे कहाँ आ गए हम, तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, ऐसा नहीं कि कौन से फाइलेरिया बुचेरिया क्या क्या आ रहा है, तो ये सब ना सोचना, आपका कर्तव्य है पढ़ना तो वो आप कीजिए। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है, तो बुचेरियाई ब्रेन क्राफ्टी से चलते हैं। स्कैरिस पाया जाता है मनुष्य के हाथ में, स्कैरिस पाया जाता है। फेरीटिमा पोस्टिमा किसका वैज्ञानिक, तो केचुआ का। देखिए वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फेरीटिमा पोस्टिमा जो है केचुआ का वैज्ञानिक नाम है। केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक होता है, तो आप बताओ कि हीमोसाइनिन रक्त वर्णक होता है, ये आपको याद रखना है। केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है, क्योंकि यह जमीन को छिद्र रूप बनाकर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। केचुए में कितनी, तो केचुआ तथा सांप में कोई भी आंखें नहीं होती, आपको याद रखना है। केचुआ किसानों का मित्र लाभ पलाता है, कि भूमि को पोल करके मतलब छिद्र करके। कीटों की कितनी टांगें होती, तो बताओगे 3 टांगें कीटों की होती, आपको याद रख। काकरोच जल को जीवित नहीं रख सकता, क्योंकि उसमें क्या है, वातक अंग, श्वसन अंग क्या है, वातक, यानी कि शरीर में ही उसके छिद्र छिद्र होते हैं, उसी से जो है वो सांस लेता है, तो उसी छिद्र जब पानी से ढक जाएगा तो कहाँ जीवित। कौन सा कीट उपयोगी नहीं, तो घरेलू मच्छी जो है उपयोगी नहीं है। चलते मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण से होता है, तो बताओ किस पोषण के कारण से होता है। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है, स्तनधारी के पर पोषण के कारण से होता है। लाल उत्पन्न होती है, लाह उत्पन्न किससे की जाती है, कीटों के शरीर से लाह आप जानते हैं उत्पन्न की जाती है। रेशम के उत्पादन किससे किया जाता है, तो बताओ कि रेशम कीट के प्यूपा से, किसके प्यूपा ही किसकी, छोटे जैसे छोटे बच्चों को इनके कहते हैं प्यूपा कहा जाता है, उसी से रेशम उत्पादन किया जाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, तो घरेलू मक्खी होती है, इनके लार्वा को क्या बोलते हैं, इनके लार्वा को आप क्या बताओगे, मैगोट बोला जाता है, जैसे उनके लार्वा को प्यूपा कहा जाता है। चलते हैं बिच्छू का विष कहाँ पर होता है, आपने देखा बिच्छू डंक मारती है, डंक में होता है। तितली की आँखें रात में क्यों चमचमाती, टेपडम लुसिडम पाया जाता है उनके का, तो उसी कारण से। निद्रा रोग कौन फैलाती है, तो आप बताओगे सीसी मच्छी निद्रा रोग फैलाती है। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला रोग कौन, तो सैंड फ्लाई जो होती है कालाजार रोग जो है फैलाती है। कीट वर्ग जंतुओं में एक विशिष्ट लक्षण है, तो आप बताओगे 3 जोड़ी पात जो होता है कीट वर्ग में लक्षण है। फलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो आप बताओगे माना एलाफिरिस जो है फलेरिया रोग का वाहक है। कटल फिश के नाम से किसे, तो बताओगे सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है, किसे, सीपिया को। ऑक्टोपस क्या है, तो एक मृदगौची है, मृदगौची क्या, उसका शरीर बहुत जो है सॉफ्ट होता कह सकते हो, ऑक्टोपस मृद। डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप क्या बताओगे, ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती, तो बताओ 8 भुजाओं की संख्या कितनी, 8 होती है। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी को क्या बोलते हैं, न्योपलिना कहा जाता है, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी को। प्यारे साथियों, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तुरंत लाइक कर दें, और कोई समस्या हो तो इस लाइव सेशन में आप कमेंट जरूर किया करें, कहीं भी क्वेश्चन में भी आपको डाउट लग रहा है तब भी आपको कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं तो कई लोग इसमें जो है इसका नुकसान भी हो सकता है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, कहीं पर भी कोई गलतियां हो तो उसको सुधरवा सकते हैं। नेक्स्ट है तारा मछली स्टार फिश किस संघ की प्राणी है, तो बताओ इकाइनोडर्मेटा संघ की प्राणी है। अरस्तु का लालटेन है, समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र को चबाने वाला यंत्र ही अरस्तु का लालटेन है। तारा मछली स्टार मछली माना जाता है, तो स्टीरियस को स्टार मछली के नाम से जाना जाता है। मछली की विशेष संरचना
जो श्वसन लेने में मदद करती है, तो क्या बताओगे? गिल्स जो है मछली को, गिल्स क्या करती है तो आप बताओगे, या गलफड़ा जो है मनुष्य के मछली को सांस लेने में सहायता प्रदान। मछलियों के दिल की विशेषता क्या है? उसमें केवल अशुद्ध रक्त बहता है, मछलियों में केवल अशुद्ध रक्त बहता है, ये चीज़ आप याद रखना है। कौन सा जीव वास्तव में मछली? तो समुद्री घोड़ा जो है एक मछली है। कौन मछली नहीं है? तो स्टार फिश जो है मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आता है? तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग में आता है। कौन वास्तविक मछली? तो होता फ्लाइंग फिश जो है वास्तविक मछली है। कौन सी मीन है? तो फ्लाइंग फिश मीन या मछली कह सकते हो, मीन रहेगा, मीन मतलब मछली होता है। सागर में किस जीव की संख्या सर्वाधिक? तो सागर में आप बताओगे मछली की संख्या सर्वाधिक होती है। सबसे विषैला मछली कौन है? तो बताओ पाषाण मछली सबसे विषैली मछली है। नेक्स्ट है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? तो गैम्बूसिया, गैम्बूसिया। जब आप देखते हो गर्मियों के दिन में जब मच्छरों द्वारा रोग फैलता है तो तालाबों में गैम्बूसिया मछली जा रही है, क्योंकि मच्छरों के लार्वा को यह क्या करती है, खा जाती है। जल से बाहर निकालने जाने मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वह श्वास नहीं ले पाती हैं। एम्फीबिया बनाता है, तो जल और स्थल दोनों ही रहने वाले पशुओं को एम्फीबिया या एम्फीबियन कहा जाता है, जैसे मेढक जो है एम्फीबियन होता है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा आप बताएंगे टैडपोल कहा जाता है। मेढक के लार्वा को आप बताएंगे टैडपोल कहा जाता है। मेढक में कितनी कक्ष होती है या कितनी हृदय कक्ष होता है? तो बताओगे 3 कक्ष होती हैं, जबकि तिलचट्टे में 13 होती हैं, या कॉकरोच को ही तिलचट्टा कहा जाता है, तो 13। नर मेढक मादा मेढक की तुलना ऊँची आवाज़ लगता है क्योंकि वाक कोष्ट के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा थी मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि ये त्वचा द्वारा श्वसन करता है। चलते हैं निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को कहते हैं? तो बताओगे हाइबरनेशन कहा जाता है। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो एस्टिवेशन कहलाता है। युद्ध ताप पर किसी कोई व्यक्ति उच्च ताप रहता है तो वहाँ पर प्रसुप्ति अवस्था मतलब सुस्त अवस्था में पड़ा रहता है, उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। और निम्न ताप पर जो प्रसुप्ति अवस्था में रहता है, यानी कि ठंडी के दिन में जो अपने आप को पड़ा जहाँ पर पड़ा वहीं पड़ा रहे, तो उसे बोलते हैं हाइबरनेशन कहा जाता है। दोनों को याद रखना है आपको, उच्च ताप पर क्या एस्टिवेशन और निम्न ताप पर हाइबरनेशन, हाइब्रिड यानी कि हाइड होके रहे। चलते हैं निरसंस प्राणी कौन सा है? तो निरसंस प्राणी कौन सा बताओगे? कछुआ जो है निरसंस प्राणी है। इसको कितना भी मारो मरता नहीं जल्दी, इतना निर्दयता से मारो, क्योंकि उसके ऊपर क्या खोल बनी होती है। किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं पाई जाती है? तो घड़ियाल में टीयर ग्रंथि क्या है? आंसू की ग्लैंड नहीं पाई जाती है। सांपों की 20 ग्रंथियां किसके सदृश काम करती है? तो स्तनधारियों की वसा के तैल ग्रंथियों के सदृश कार्य करती हैं। चलते हैं सबसे विषैला सर्प कौन है? तो बताओ करैत सर्प जो है सबसे विषैला सर्प, करैत आपको याद रखना है। कौन सा विषैला सर्प नहीं है? तो पायथन को लगभग सभी लोग जानते होंगे, पायथन में विष नहीं होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र कौन सा है? तो बताओगे किंग कोबरा क्या है? तो बताओ घोंसला बनाने वाला है जंतु है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सी पशु थी? तो डॉली क्या थी? आप भेड़ बताइए, डालू कौन सी? तो बताओगे कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, ये किस प्रकार का मदद मिलता है? तो जीवों को पर्यावरण के अनुकूल करने के लिए मदद करता है शुष्क। चलते हैं डायनासोर, देखिए कुछ रेगिस्तानी मछलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे क्या होता है, किस प्रकार का मदद मिलता है? तो बताओगे जीवों को पर्यावरण के अनुसार अनुकूल मिलता है। चलते हैं डायनासोर थे तो मेसोजीव सरीसृप थे, विषैले में छिपकली कौन थी? हीलोडर्म क्या है? तो आप विषैली छिपकली हीलोडर्म। आप पूरे वीडियो में बना रहे हैं, आपको मजा आने वाला भी, इस पर लगभग 70 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बना रहना। उड़न छिपकली कौन थी? तो बताओगे डेकरो क्या है? तो बताओगे डेकरो जो है उड़न फैक्चली है, उड़न जो है छिपकली है। किसकी उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट रंग बदलता है? वर्की लवक के कारण जो है अपना रंग बदलता है। समुद्री सर्प को कहा जाता है? तो हाइड्रोफिश जो है समुद्री सर्प को कहा जाता है। सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता है, ये ध्वनि ग्रहण करते हैं, तो बताओ त्वचा से ये ध्वनि ग्रहण करते हैं, त्वचा के हलचल के जब जो हलचल होती है त्वचा के द्वारा सुन लेते हैं। पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं किस तरह? वात युक्त होती है, वात मतलब उसमें वायु चला जा सकता है, यानी कि छिद्र युक्त होती हैं। भारतीय पक्षी अली, पक्षी अली किसे कहता है? और सलीम अली को भारतीय पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा? शुतुरमुर्ग जो है पृथ्वी का विशालतम पक्षी है। नेक्स्ट है सबसे छोटा पक्षी कौन सा? तो गुंजन पक्षी क्या है? सबसे छोटा पक्षी है। शब्दिनी किसे वाक्यंत्र है? तो पक्षी के वाक्यंत्र को शब्दिनी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में पाया जाना उड़नहीन उड़ने वाली पक्षी, बिना उड़ने वाली पक्षी को तो आप बताओगे कीवी जो है उड़नहीन पक्षी जो उल्टा चलती है। आर्कियोपटेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का
सर्व पुरातन पक्षी जो है आर्कियोपटेरिक्स है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने वाला असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता तो होता है शुतुरमुर्ग दौड़ सकता है। वह विलुप्त पक्षी जिसमें चोंच में दांत होता है तो बताओ आर्किया पटेरिक्स। आपको बताओ ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे ये चीज़ें आपको आसान लगने लगी प्यार साथियों। अब आपको तो जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आपको वही फ़ायदा मिलेगा कि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आर्कियोपटेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की योजक कड़ी जोड़ने वाली की कड़ी को बोलते हैं आर्कियोपटेरिक्स। भारत का पक्षी कौन सा? तो मोर है। पायोक्रिस्टस किसका? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है तो गुंजन पक्षी या इसी को कहा जाता है। इसे हमिंग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति कारण चढ़ सकता है? तो बताओ उंगलियों पर चिपकने वाले लैमी युक्त गद्दियाँ उसमें होती हैं, उसी से चढ़ जाती हो। या पक्षी जो अपने शत्रु के बचाव के लिए अपना सिर रेत में के अंदर कर लेता है तो शुतुरमुर्ग जो है बचाव के लिए रेत के अंदर जो है कर लेता है अपने सिर को। चलते हैं, बलबर क्या है? तो बलबर एक सघन वसा का परत को क्या कहा जाता है? सघन वसा की परत को बलबर कहा जाता है। मछली जो है अस्तनधारी प्राणी नहीं, ये अस्तनधारी प्राणी नहीं होती है, जलीय प्राणी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किसमें किया जाता है? डॉल्फिन जो है आप बताओगे अस्तनधारी में आते हैं। व्हेल अस्तनधारी है क्योंकि इसमें क्या है दुग्ध ग्रंथियां जरायुज्वल व बाल होते हैं इसमें। विशालतम अस्तनधारी कौन सा? तो होयल जो है विशालतम अस्तनधारी होता है। भारत का राष्ट्रीय अस्तनी कौन सा बताओगे? बाघ होता है। अस्तनियों के कितने जो है चैम्बर होते हैं? मनुष्य की चैम्बर या अस्तनी की तो आप बताओगे 4 चैम्बर हृदय होते हैं। केंद्रक विहीन किसमें? तो RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट तथा लांबा में पाया जाता है। होयल में होयल क्या है तो बताओगे अस्तनी है, तो अस्तनियों में 4 पाए तो होयल में भी 4 ही चैम्बर पाए जाते हैं या कोष्ठक पाए जाएंगे। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आधुनिक मानव का जो है वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? जहाँ चमकने वाला कॉन्सेप्ट होगा वहाँ टेपटम लुसिटम के कारण ही लगाना है आपको। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार यंत्र किस में पाया जाता है? तो बताओगे चमगादड़ में पाया जाता है। चलते हैं, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में असमर्थ क्योंकि उसके मुख में क्या उत्पन्न? अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न होती है। मानव का जैविक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। मनुष्य सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो बताओ कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था, ये हड़प्पा सभ्यता में। चलते हैं नेक्स्ट, अस्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त होता है कहाँ से? खनिज लवण ग्लूकोज और ऑक्सीजन सब प्राप्त होता है भ्रूण गर्भ माँ से प्राप्त होता है अस्तनधारियों में। कौन सा अंडज स्तनी है? तो मोनिट्रोन जो है अंडज स्तनी है। और अंडज स्तनी आपको बता दूँ कौन है? तो प्लेटिपस तथा एकाटिना भी जो है अंडा देते हैं लेकिन दूध पिलाते हैं। अंडा देने वाला स्तनधारी अभी देखिए चीट कटीला चेटीखोर जो भी अंडा देने वाली प्राणी है। नियत ताप प्राणी कौन सा? तो चमगादड़ जो है नियत ताप प्राणी है, मतलब इनके तापमान सदो जो है नियत रहता है। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत गेद बन जाता है, तो कंटक चूहा जो खतरे के संकेत पाते ही गेद की आकृति समान बन जाता है। कौन सा धन उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता पाई जाती? यूरिक एसिड नहीं, अस्तनियों में यूरिक एसिड नहीं पाया जाता, तो यहाँ आपको बताना यूरिया पाया जाता है, जबकि पक्षियों में यूरिक पाया जाता है, ये आपको याद रखना है अस्तनियों में यूरिया। कौन सा नियत तापी प्राणी? तो होयल जो है नियत तापी प्राणी है। वह कौन सा जीव जो अपनी त्वचा से सांस लेता? तो मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर? तो बैबून जो है सबसे बड़ा बंदर है, ये आपको याद रखना है। अनियत तापी प्राणी कौन सा है? तो वह प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है उसे बोलते हैं अनियत तापी प्राणी कहा जाता है। चलते हैं, जैसे मनुष्य का तापमान जो होता है सदैव समान रहता है तो मनुष्य क्या है? समतापी प्राणी है। हरित ग्रंथियां संबंधित किससे होती? तो उत्सर्जन से संबंधित हुई हरित ग्रंथियां। चलते हैं, कूटक किस में नहीं पाया जाता? तो शुतुरमुर्ग में कूटक नहीं पाया जाता है। रक्त के प्रतिस्कंधक यानी प्रतिस्कंधक मतलब रक्त को ना जमने देने वाला पिगमेंट कौन सा? तो हेपेरिन जो हमारे रक्त शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। किस समूह के जीवों को डूबने से मृत्यु का पता लगाने के लिए का महत्व है? तो डायटम किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व देता है? तो उसके अंदर डायटम जो है से पता लगाया था। मैमथ पूर्वज थे किसके? तो हाथी के। पर मैमथ तो बहुत विशाल और हाथियाँ भी जो है बहुत विशाल होती हैं।
फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों। कीट देखो, एक कीट दूसरे कीट के पीछे लंबी लाइन बनाए रहते हैं, तो एक फेरोमोन्स नामक हार्मोन छोड़ते हैं। इसी कारण से भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सी, तो हॉयल शार्क मछली है। प्रोमेटो के आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन था, तो गोरिल्ला है सबसे निकटतम। कौन सा कीट नहीं, तो होता मकड़ी, कोई भी कीट नहीं है। मकड़ी के छह भाग होते हैं। इसलिए पांडा उस कुल का है जिसका भालू जो है पांडे ही कुल का है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो वातक से यानी कि उनके शरीर में पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, उससे जो है श्वसन करते हैं। कौन सा अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देते, तो एकेडिना तथा प्लेटिपस दो आपको याद रखना है। अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है, और दूध पिलाता है। किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है, तो नागराज जो है दूसरे सांप को ही खाता है। देखिए, किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जो मादा मैथुन प्रांत पर नहीं मार देती है, तो मकड़ी जो है जीव में वह घटना पाई जाती है जो मादा मैथुनों प्रांत नर को मार देती है, तुरंत जो है नर को मार देती है। जैसे वो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, उसके बाद जो है मादा जो है नर को तुरंत मार देती है। देखिए, ऐसी ऐसी घटनाएँ पाई जाती हैं। चलते हैं, तालाबों को कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद, गैम्बूसिया मछली जो है तालाब में छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है मच्छरों से निजात पाया जाता है। कौन सा एक कपी नहीं, तो लंगूर कपी नहीं है। चलते हैं, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, क्या है, तो एक स्तनधारी डुगोंग, एक स्तनधारी समुद्रों में पाया जाता है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन फॉक्स क्या है, तो एक चमगादड़ है, उड्डयन फॉक्स। कौन सा पशु मांसाहार है, तो मच्छर जो है ये मच्छर दूसरा वाला है, तो ये मांसाहारी होता है। मनुष्य में पुंधुम होते हैं, तो जनन क्षम जो होते हैं पुंधुम होते हैं। कौन सा एक विलुप्त प्राणी है, तो यात्री कपोल जो है ब्लैक प्राणी भी हो चुका है। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, तो आप बताओगे पक्षी जो है कपोत पक्षी दुग्ध उत्पन्न करता है। वह कौन सा भाग जो हाथी के गजदंद के रूप में बदलता है, तो बताओ दूसरा कृदंत जो है हाथी को गजदंद के रूप में बदलता है। डार्विन फिनिंच का उपयोग किस समूह के लिए किया जाता है, तो बताओ पक्षियों के लिए प्रयोग किया जाता है डार्विन फिनिंच का प्रयोग। देखिए कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ। किसका विस्तृत प्रकार परिरक्षण यंत्र है, तो आप बताओ कि काकरोच और सिल्वर फिश का। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कीट नहीं है, तो मकड़ी कोई भी कीट नहीं होती है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष पर्वतचि कौन सा, तो ढोल जो है संकटापन जो है जीव है। किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती, मधुमक्खी पालन जो है मधुमक्खी शहद के लिए लाई जाती, यहाँ पर लिखना चाहिए था। चलते हैं, विभिन्न जातियों में यक्ष सीटु संरक्षण के लिए कौन सा सही है, तो बताओगे जर्म प्लाज्म बैंक जो है यक्षिटू मतलब बाहर उनको संरक्षित किया जाए, तो जर्म प्लाज्म जो है ज़्यादा इसके लिए उपयुक्त है। बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देती, तो स्तन पायु में बाया महाधमनी दिखाई पर। कौन सा सांप जहरीला नहीं, तो अजगर भी जो है जहरीला नहीं होता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।